Welcome in our channel, Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss red rot of sugarcane. This is for diseases of field and horticultural crop and their management too. Red rot of sugarcane was first time reported by Went in Java in 1893. In 1901, Barber reported red rot from Godavari district in India. E.J. Butler gave the name red rot. This disease is most common in all the sugarcane growing areas in India. In 1939 and 40, epidemic was reported in Eastern UP and Bihar. Causal organism of red rot. So, ये जो disease है वो colletotrichum falcatum से होती है और ये इसका asexual stage है. इसका sexual stage है glomerella tucumanensis. So, ये जो colletotrichum है ये belong करता है subdivision deuteromycotina में और glomerella tucumanensis belong करता है subdivision escomycotina में. Symptom: elongated red spots on the upper surface of the midriff in both the direction. Later, lesions become straw-colored in the center with development of black acervuli and dark reddish brown margin. So, जैसे कि इसका नाम है red rot, तो इसमें जो spot है वो red color का आता है और कहाँ पर आता है? जो लीफ है उसके मिड रिब में और ये दोनों डायरेक्शन में फैलता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. बाद में स्पॉट्स का कलर चेंज होता है और इसका जो सेंटर का कलर है वो हो जाता है स्ट्रा कलर का और इसकी मार्जिन हो जाती है रेडिश ब्राउन और इसमें ब्लैक कलर के एसरवुलाई भी प्रोड्यूस होते हैं. और ये एसरवुलस क्या होते हैं? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जिसमें से कोनिडिया बनते हैं. देन द लीव्स स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. द एक्सटर्नल सिम्टम अपीयर्स ओनली आफ्टर 16 टू 20 डेज आफ्टर इन्फेक्शन एंड ड्राइंग ऑफ इंटायर कैन टेक अनदर 10 डेज. जब पैथोजन का पॉपुलेशन प्लांट में बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर वो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन को होस्ट से लेते हैं जिसके कारण से जो लीव्स है वो मरने लगता है, ड्राइंग होती है और जो पहला एक्सटर्नल सिम्टम है जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो इन्फेक्शन के 16 से 21 दिन के बाद दिखाई देता है. अगर हम लीफ को कट करेंगे तो रेड कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देता है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. व्हेन द अफेक्टेड कैन इज स्प्लिट ओपन द इनर रीजन इज रेडिश इन कलर विथ इंटरमिटेंट वाइट टिंज अक्रॉस द कैन लेंथ. Sometime the pith inside the can is filled with blackish brown liquid and exhibited alcohol odor. जब हम affected can को cut करके देखते हैं तो हमें red color का discoloration दिखाई देता है और बीच बीच में white color के tissue भी दिखाई देते हैं जैसा कि इस picture में आप देख सकते हैं. बाद में इसका जो color है वो भी dark brown color का हो जाएगा और इसमें एल्कोहल ऑडर आता है मतलब सड़न की बदबू आती है. ये है रेड रॉट का सिम्टम. जब हम इसको स्प्लिट करके देखेंगे तो ये रेड कलर का डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, बाद में ये ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का भी हो जाता है और बीच बीच में वाइट कलर के टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं और ये लीफ में जो लीफ का स्पॉट्स है उसका सेंटर हो जाता है स्ट्रा कलर का और मार्जिन हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर की. तो ये था इसका सिम्टम. इटियोलॉजी ऑफ पैथोजन. माइसीलियम, इसका माइसीलियम सेप्टेट, ब्रांच्ड और डार्क कलर का होता है. सेप्टेट मींस इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं और एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसमें ब्रांचिंग होती है और ये डार्क कलर का होता है.
The mycelium of the fungus is localized in the spots. Plant में जहाँ पर spots आते हैं वहीं पर ही इसके mycelium भी present होते हैं. Asexual spore is conidia. Conidia कैसा होता है? Hyaline, single celled और falcate in shape. तो ये light color का होता है, single celled होता है और थोड़ा सा curve होता है. इसे ही क्या कहते हैं? Falcate in shape. तो ये क्या shape है? फाल्केट. एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एसरवुलस. तो ये जो कोनिडिया है वो कहाँ बनता है? एसरवुलस में बनता है और इसके एसरवुलस में सीटी नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीसिया. पेरिथीसिया कैसा होता है? पियर शेप्ड का होता है और लीफ सीथ में प्रोड्यूस होता है. द पैथोजन ऑल्सो प्रोड्यूस क्लेमेडोस्पोर. ये क्लेमेडोस्पोर क्या होता है? रेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये. कॉलोनी कलर ब्लैक कलर का होता है. यह है इसका एसरवुलस और ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सीटी और इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर हैं. जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे कोनिडियोफोर हैं. कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनते हैं और इसके कोनिडिया सिंगल सेल्ड होते हैं, हायलाइन होते हैं और थोड़ा सा कर्व होते हैं. इसी को कहते हैं फाल्केट इन शेप, मतलब फाल्केट शेप का. आगे बढ़ते हैं. फेवरेबल कंडीशन. सो ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में आती है और इकोनॉमिक लॉस भी ज़्यादा होता है. सो टेम्परेचर 29 to 31 degrees centigrade. रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 100%. रेनी एंड क्लाउडी वेदर. डिजीज सीवियरिटी इंक्रीज इफ ड्राउट कंडीशन अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ग्रोथ फेज ऑफ द प्लांट. सो अगर पौधा अभी छोटा है और उस कंडीशन में जब ड्राउट आता है जिससे कि पौधे का जो ग्रोथ है वो कम होता है और उसमें डिजीज रेजिस्टेंस पावर कम होता है, इसीलिए इसमें डिजीज ज़्यादा आती है. डिजीज साइकिल. डिजीज साइकिल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है, फर्स्ट है सर्वाइवल कि पैथोजन का सर्वाइवल कहाँ हो रहा है. दूसरा है प्राइमरी इन्फेक्शन कि फील्ड में पहला डिजीज़ करने वाला पैथोजन कहाँ से आया है. थर्ड है सेकेंडरी इन्फेक्शन, फील्ड के अंदर डिजीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे स्प्रेड होती है. पैथोजन सर्वाइव इन सॉइल क्रॉप डेब्रिज वीड होस्ट एज कोनिडिया एंड माइसिलियम एज वेल एज क्लेमेडोस्पोर. सो पैथोजन अभी सॉइल में या क्रॉप डेब्रिज में या वीड होस्ट में कोनिडिया या माइसिलियम या क्लेमेडोस्पोर के रूप में सर्वाइव करते रहता है. फिर अगले सीजन में जब शुगर केन लगाया जाता है तो वहाँ पर ये स्टोमेटा या बड के थ्रू इंटर करता है. स्टोमेटा तो पता है कहाँ पर होगा, लीव्स में होगा. और ये बड क्या होता है, जैसे ये सुगर केन है यहाँ पर नोड है तो नोड के पास एक बड होता है जिसे आई कहते हैं, यहीं पर से इन्फेक्शन होता है और ये पैथोजन स्टेम के अंदर इंटर करता है. और ये इन्फेक्टेड से हेल्दी फील्ड में कैसे इंटर करता है, बाई यूजिंग इन्फेक्टेड सेट. मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल है अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो ये इन्फेक्टेड फील्ड से हेल्दी फील्ड में इंटर करेगा. उसके बाद क्या होगा, जो पैथोजन है वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेकर मल्टीप्लाई होगा, बहुत सारे माइसिलियम बनेंगे, फिर सिम्टम डेवलप होगा, ये सिम्टम हमें दिखाई देगा. उसके बाद ये जो पैथोजन है वो कोनिडिया बनाता है और ये कोनिडिया इंसेक्ट वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि ये कोनिडिया वीड होस्ट में भी जाएंगे और वहाँ पर इन्फेक्शन करेंगे. तो इसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल. बाद में जब सुगर केन ख़त्म हो जाएगा तो ये पैथोजन फिर से सॉइल्स में, क्रॉप डेब्रिस में या वीड होस्ट में सर्वाइव करते रहते हैं. तो ऐसे ही इसका साइकिल चलते रहता है. मैनेजमेंट. फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज़ वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट
प्रैक्टिस. सो इसमें है फर्स्ट कल्चरल मेथड, कलेक्ट हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम डिजीज फ्री एरिया. सो हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो हमेशा डिजीज फ्री होना चाहिए. क्रॉप रोटेशन विथ राइस फॉर वन सीजन एंड अदर क्रॉप फॉर टू सीजन. सो हमें कंटिन्यू शुगर केन एक ही फील्ड में नहीं लेना चाहिए, पहले शुगर केन लेना है फिर राइस लेना है. और अगर हम राइस नहीं ले रहे हैं, इसके अलावा दूसरा क्रॉप ले रहे हैं, तो उसे दो बार लेना है. मतलब पहले शुगर केन फिर अदर क्रॉप्स जैसे कि चिकपी, फिर से कुछ दूसरा क्रॉप, उसके बाद शुगर केन. ठीक है. ग्रोइंग ऑफ रिकमेंडेड रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक CO86032, CO86249. सो ये CO क्या है? कोयम्बटूर. जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा ये वेराइटी डेवलप की गई है, तो हमें इन वेराइटी को ग्रो करना चाहिए जिससे कि रेड रॉट कम मात्रा में आएंगे. रिमूवल ऑफ अफेक्टेड क्लम्स एट अर्ली स्टेज एंड ड्रेंचिंग ऑफ सॉइल विथ कार्बेंडाजिम. जैसे हम फील्ड विजिट के लिए गए हैं, वहाँ पर हमें कोई इन्फेक्टेड प्लांट दिखाई दिया, तो तुरंत ही उस इन्फेक्टेड प्लांट को फील्ड से हटाना है और उस जगह पर कार्बेंडाजिम का 1% का सॉल्यूशन बनाकर वहाँ पर ड्रेंचिंग करनी है. द कट एंड इंटायर सेट शुड बी डिप्ड इन फंजीसाइड सॉल्यूशन सच एज 1% बोडो मिक्सचर. जो हम प्लांटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसे 1% बोडो मिक्सचर में डिप करके रखना है, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो पैथोजन है वो मर जाएगा. इफ़ द डिजीज इज नोटिस्ड इन द फील्ड द लीव्स एंड कैंस शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाई बर्निंग. सो इन्फेक्टेड प्लांट को फील्ड से हटा देना चाहिए और जला देना चाहिए. हीट थेरेपी. जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल है उसे हम तीन तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट, 52 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में 18 मिनट तक डिप करके रखना है. स्टीम ट्रीटमेंट, 52 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में भाप में 4-5 घंटे तक रखना है. हॉट एयर ट्रीटमेंट, 54 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट एयर में 2 घंटे तक रखना है. इससे क्या होगा, जो केन के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है वो मर जाएगा. केमिकल मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल बाय कार्बेंडाजिम और बेविस्टिन और बेनोमिल. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ये जो केमिकल मेथड है उसको हमेशा लास्ट में लिखना है. मतलब ये जो केमिकल ऑप्शन है हमें लास्ट में यूज़ करना चाहिए, इससे पहले कल्चरल, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल इन सब मेथड को यूज़ करना चाहिए. और उसका रीज़न क्या है, ये जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए या दूसरे एनिमल के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. सो ये था शुगर केन रेड रॉट. इस वीडियो के लिए इतना ही. धन्यवाद. To download lecture notes in PDF format, please join my Telegram channel. To join my channel, either you can scan this QR code or you can search Dr_Agriculturist in Telegram. If you find this video useful, so like and share my videos with your friends and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.